गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के जो परिणाम क्या हैं, इसमें हमने देखा था कि भी हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, यानी जो लोकतंत्र है, ठीक है, इनके जो परिणाम है इनका हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, इनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स के द्वारा हमने देखा था। इसके बाद जो अपना अगला जो पॉइंट्स था जो हमारा पिछले पार्ट में समाप्त हुआ है वो क्या था, वो था भी अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल कैसे है, रेस्पॉन्सिव कैसे है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे, यानी उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन किस प्रकार से है, यानी लोकतंत्र के किस प्रकार हमारे लिए जिम्मेदार हो सकता है, किस प्रकार हमारे लिए वैध हो सकता है और उत्तरदायी हो सकता है, ये हमने इसमें देखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो आज से जो अपना स्टार्ट हो रहा है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक वृद्धि और विकास। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है और ये क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी में क्या इसका फायदा है, ठीक है, और क्या ये डेमोक्रेसी में सही है, ज्यादा होती है या नहीं होती है, ये चीजें हम आज इसमें देखेंगे। इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सेप्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सेप्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि भाई यदि लोकतंत्र में हम एक गुड गवर्नमेंट की अगर वो करते हैं, यानी एक अच्छे शासन की उम्मीद अगर अपन करते हैं लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन में, तो अच्छी अगर सरकार की अपन उम्मीद करते हैं तो क्या हमें डेवलपमेंट की उम्मीद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी हमें विकास की उम्मीद करना चाहिए कि नहीं, अगर हम अच्छी सरकार की उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे शासन की उम्मीद कर सकते हैं, तो स्वाभाविक बात है हम ये भी उम्मीद करेंगे कि भाई हमें अच्छा विकास प्राप्त हो, ठीक है। एविडेंस शो दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सेप्टेशन, यानी एविडेंस है इस बात के, सबूत है इस बात के कि भाई बहुत सारे लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसीज जो कंट्री हैं, लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे जो लोकतांत्रिक देश हैं उनसे हो रहा है कि उन्होंने इस उम्मीद को पूरा नहीं किया, डिड नॉट फुलफिल यानी इस उम्मीद को उन्होंने पूरा नहीं किया है। इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर्स बिटवीन 1950 एंड 2000, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये कह रहा है कि भाई 1950 से 2000 यानी लगभग 50 साल, लगभग नहीं एग्जैक्ट जो 50 ईयर्स का अगर अपन देखते हैं, ठीक है, 50 साल के दौरान अगर हम इस चीज को डेमोक्रेसी और यानी लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही के बीच में अगर अपन देखें तो जो ज्यादा अच्छा जो इकोनॉमिक जो रेट है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है यानी आर्थिक जो वृद्धि हुई है वो किसकी ज्यादा है, जो तानाशाही जो सरकार है उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा अपने से ज्यादा है। अब कह रहा है कि द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, यानी द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता, यानी हम करने योग्य नहीं है, इस चीज को करने में सक्षम नहीं है, ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, यानी ये जो हमारी अक्षमता है लोकतंत्र में कि किसी चीज को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये ही हमारा दुखी होने का कारण है या चिंता होने का कारण है। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, यानी केवल एक इसी कारण से हम डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, ठीक है भाई, जैसा हमने स्टडी किया है, अध्ययन किया है, पढ़ा है अर्थशास्त्र में, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के बारे में, अर्थशास्त्रिक विकास के बारे में डिपेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, यानी जो आर्थिक विकास है वो किन किन पे डिपेंड होता है, डिपेंड का मतलब होता है इन पे आधारित होता है, किन पे, सेवरल फैक्टर्स, कुछ जो फैक्टर कुछ कारक है वो क्या है,
कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, यानी जो देश है उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, ठीक है। क्योंकि जितने भी इससे मत, इसका मतलब ये हो गया, जो कंट्रीज पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि जो एक देश है, कोई भी देश है, मान लो दो देश हैं बराबर में, ठीक है, एक देश के पास है 1 करोड़ जनसंख्या, दूसरे देश के पास है 100 करोड़ जनसंख्या, एक देश के पास है 1,000 करोड़ रुपए, दोनों देशों के पास इकोनॉमी बराबर है, इनके 1 करोड़ लोगों के पास 1,000 करोड़ है और यहाँ 100 करोड़ लोगों के पास 1,000 करोड़ है, तो यहाँ पे कितने रुपए आए, एक इंसान के पास 1,000 करोड़ आ गए ना, और यहाँ पे कितने आएंगे, 10 करोड़ आएंगे। तो जो पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी देश की जनसंख्या ज्यादा होगी तो वो डेवलप कम होगा। ग्लोबल सिचुएशन, उसकी वैश्विक स्थिति क्या है, विश्व में उसका कौन सा स्थान है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे जो देश हैं उससे उसको कितना कोऑपरेशन मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, यानी देश के लिए जो इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज हैं, यानी जो आर्थिक जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं। हाउ एवर द डिफरेंस इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल, यानी जो डिक्टेटरशिप वाले, यानी जो तानाशाही जो देश हैं, कम विकसित हैं, जो लेस डेवलप हैं, और जो डेमोक्रेसीज यानी जो लोकतांत्रिक जो कम विकसित देश हैं, उनके बीच में जो डिफरेंट है, ठीक है, जो अंतर है वो बहुत कम है, बिल्कुल जरा सा ही है। बट वी कैन एक्सेप्ट, सॉरी, ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ये हम नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो आर्थिक विकास की गारंटी है, ये हम ऐसा नहीं कह सकते। बट वी कैन एक्सेप्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भी जो लोकतंत्र है वो तानाशाही शासन वाले देशों से बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स, यानी जो डेमोक्रेसी जो कंट्री, यानी जो लोकतांत्रिक जो देश है, और जो डिक्टेटरशिप वाले जो कंट्रीज हैं, तानाशाही वाले जो देश हैं, इनकी जो आर्थिक विकास दर है उनमें अंतर चाहे ज़्यादा हो, ठीक है, उनमें यानी जो डिक्टेटरशिप वाला जो देश है वो थोड़ा ज़्यादा समृद्ध है, ज़्यादा पावरफुल है, उनको ज़्यादा भाई जो न्यायिक जो पसड़े उनमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनमें जो एक लीडर होता है उसको एक आदेश देने की ज़रूरत है, ये काम होगा तो होगा। यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि भाई सबको बोलने का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं लोगों के पास, जो डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज हैं उनमें राइट्स जो लोगों के पास जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, डेमोक्रेसीज वाले जो कंट्री हैं इसमें ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कारण भी है। अब किसी ने कह दिया कि भाई मान लो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपना क्षेत्र आता है कुंडरेवाड़ी और यहाँ पे फैक्ट्री लगेंगी भाई, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप वाला जो कंट्री है तानाशाह वो तो एक आदेश निकालेगा, उसका लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर डेमोक्रेसी जो कंट्री है उसने कह दिया कि भाई यहाँ पे एक बड़ा रेल कारखाना लगेगा तो यहाँ पे कोई केस हो जाएंगे, लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे, उसको करने नहीं देंगे पूरा काम, ठीक है, और जो तानाशाही वाले देश हैं उसके खिलाफ वो तो गोलियां भी चलवा देगा, कोई अदालत और कोई किसी कानून को वो मानती नहीं है। तो यही अंतर है वहाँ पे डेवलपमेंट का कि जो लोकतांत्रिक जो देश हैं वहाँ बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो तानाशाही वाले जो देश हैं वहाँ उनको किसी भी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता है, वहाँ आदेश चलता है एक शासक का, यहाँ पे पूरी एक प्रक्रिया चलती है। तो इसी कारण भाई थोड़े बहुत वो ज़्यादा हमारे से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ठीक है, वही उसी को हम चयन करेंगे, वही हम चुनेंगे, वही हम देखेंगे भाई जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें कम से कम जो लोगों के अधिकार हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इन सबसे पॉजिटिव हमें आउटकम्स मिलते हैं, पॉजिटिव यानी सकारात्मक हमें लाभ मिलते हैं। तो इन सबसे ये बताया गया था कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ इस चीज़ का निचोड़ निकालें तो उसमें यही देखेंगे कि जो डेमोक्रेसीज जो हैं जहाँ पे लोकतंत्र है वो देश ज़्यादा बेटर हैं। अब इसमें देखो एक यहाँ पे कार्टून दिखाया हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेंस 2000 to 2006,
यानी जो इकोनॉमिक जो आर्थिक जो बंटवारा है, ठीक है, वो 2000 से और 2006 के बीच में कैसे हुआ। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई कार्टून ऑन दिस पेज टू नेक्स्ट थ्री पेज टेल अस अबाउट द डिस्परिटीज बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी जो गरीब और अमीर लोगों के बीच में तीन कार्टून मिलेंगे आगे हमें। शुड द गेन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या हम भाई आर्थिक ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है कि बी एवरी डिस्ट्रीब्यूट, हाउ कैन द पुअर गेट ए वॉइस फॉर ए बेटर शेयर इन द नेशन, वाट कैन द पुअर कंट्रीज डू नॉट रिसीव ए ग्रेटर शेयर ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ। इसका मतलब ये है कि भाई आर्थिक जो समृद्धि जो लाभ है क्या बराबर बराबर हुआ है, जो राष्ट्र यानी जो अपना देश है उसके धन में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तो गरीब किस तरह से आवाज उठा सकते हैं, और जो वर्ल्ड का जो ये वेल्थ है, जो पूरे विश्व का जो धन है, ठीक है, इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो गरीब देश है वो क्या करें। अब यहाँ पे दिखाया कि ये रिच देखो कैसे पावरफुल दिखा रखा है, मसल्स दिखा रखी है इसकी, जो रिच जो है यानी जो धनवान जो जो कंट्रीज है वो कैसे है। इसके बाद जो मिडिल है, मिडिल का मतलब विकासशील से अपन मान सकते हैं, या फिर मिडिल का मतलब भाई मध्यम वर्ग, ना अमीर ना गरीब, वो बेचारा ठीक ठाक सा ही है, बीच बाच में रहता है। और लास्ट में है पुअर, जो पुअर कंट्रीज हैं वो देखो किस तरह से उनकी हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं, ठीक से पैरों में जुराब भी नहीं इनकी आ रही है, फटी हुई जुराबें भी दिखा रखी है, यानी ये गरीबी दिखा रखी है, पुअर मिडिल एंड रिच। तो रिच जो कंट्रीज हैं वो कैसे हैं, रिच पीपुल भी कैसे हैं, मिडिल कैसे होते हैं, और ये पुअर किस प्रकार से होते हैं, ये किस प्रकार से इनका बंटवारा कर रखा है, ये कार्टून के द्वारा ये इसमें दिखाया गया है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट इसमें ओवरऑल अपन ये मानेंगे कि जो डेमोक्रेसी जो है, लोकतांत्रिक जो देश, वो ही ज्यादा अच्छे रहेंगे, उनके सकारात्मक लाभ होंगे। अभी इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू।